बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। प्यारे पाकिस्तानियों, आपको पता है इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के लीडर मजलूम अडयाला ने 24 नवंबर 2024 फाइनल कॉल दे दी है। ये फाइनल कॉल इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी और इस मुल्क की सलामती और बका के लिए, और जमहूरियत जो इस मुल्क से छीन ली गई है, आइन जिसको मस्क कर दिया गया है, उसकी बहाली के लिए। हमारे कोई बड़े मुतालबात नहीं है, हम सिर्फ जुल्म, फस्ताइयत, जबर के ख़िलाफ़ खड़े हैं। इमरान खान ने 3 से 4 मुतालबात किए हैं। नंबर 1 पे रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो आइन और कानून की बालादस्ती उसको कायम किया जाए। 26वीं खूनी तरमीम जो है, जो आइन को बड़ा गर्क किया गया है, उसको वापस किया जाए। हमारा चुराया हुआ मैंडेट हमें वापस किया जाए। जो ना सिर्फ ये कि 8 फरवरी के जो 2024 के इलेक्शंस में हमारी सीटें जो हैं उनके साथ धांधली करके फॉर्म 47 के ज़रिए छीना गया, और बल्कि मखसूस नशस्तें जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं पीटीआई को, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट ना करके इस मैंडेट चोरी में अपना भी हिस्सा डाला है। और इसके साथ साथ जो हमारे मजलूमीन, जो हमारे बेचारे वर्कर्स को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा रहा है, उनको बेगुनाह का जेलों में बंद किया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, और सबसे बढ़कर ये कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब की रिहाई तक, हमने ये लॉन्ग मार्च भी करना है और हमने धरना भी करना है। हमारे पास और कोई च्वाइस नहीं बची, हमने अपनी कश्तियाँ जला के निकलना है। ये आपकी लड़ाई है, ये इस मुल्क की बका की लड़ाई है, ये आने वाली नस्लों की लड़ाई है। इस मुल्क में ना इंसाफ है, ना इस मुल्क में कोई आइन है, ना कानून है, ना आप बात कर सकते हैं। कोई बात करने लगो तो ज़ुबानें काट के शीशा डाल दिया जाता है। इस तरह की जबर फस्ताइयत में अवाम किस तरह सांस लेगी? बग़ैर जमहूरियत के ये मुल्क नहीं चल सकता। तो लिहाजा एज़ पोलिटिकल लीडर, एज़ पोलिटिकल पार्टी के वर्कर, हमारा ये फ़र्ज़ है, हम अपनी आवाम के लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं। हमारा लीडर डटा हुआ है, लेकिन अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में खुशहाली हो, इस मुल्क में आइन की बहाली हो, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इस मुल्क में जमहूरियत पनपे और हर एक को उसके हकूक़ मिले, तो फिर 24 तारीख को अपनी कश्तियाँ जला के निकलिएगा। हम अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो आपने चलना है इस्लामाबाद की तरफ 24 तारीख को। हम आपका इंतज़ार करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।